आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर चंडी में 5 अगस्त को होने वाले जनमंच से पूर्व तैयारियों के चलते वीएसएलएम कॉलेज चंडी के सभागार में सोलन के उपायुक्त विनोद कुमार ने धर्मपुर ब्लॉक के दून क्षेत्र की 13 पंचायतों के प्रधानों सचिवों के साथ उनकी पंचायतों की समस्याओं के बारे में मंथन किया। इस जनमंच को सफल बनाने के लिए हर पंचायत के प्रतिनिधि को इस जनमंच का प्रचार करने को भी कहा। 5 अगस्त को दून क्षेत्र की 17 पंचायतों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, हर महीने के पहला प्रसिद्ध आता है, हर विधानसभा क्षेत्र में एक जनमंच कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें लोगों की समस्या उनका निदान किया जाएगा, उनको सुना जाएगा और उनका निदान किया जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा दोहराता हूँ, सिर्फ समस्याएं उसमें डिमांड्स नहीं होंगी। प्रधान साहिबान को क्लियर, पंचायत सेक्रेटरी को क्लियर, पटवारी साहिबान को क्लियर, सिर्फ समस्याएं। जनमंच से पहले इस पूर्व आकलन बैठक में उपायुक्त ने सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत करवाया। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से अपनी पंचायत की समस्याओं को जनमंच के पोर्टल पर अपलोड करने की भी बात कही, ताकि 5 अगस्त को हर विभाग के अधिकारी संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ आ सकें। आप उस आवेदन को लेकर हमारा पोर्टल बनाना जनमंच का, उस पे आप उसको स्कैनर पे लोड करें, उसको आप लिख के करने की जरूरत नहीं, स्कैनर पे लोड करें। अगर यहाँ स्कैनिंग की फैसिलिटी नहीं है तो ब्लॉक में जाकर कहीं जाकर उसको लोड करवा दें, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। और सबसे बेहतर तो रहता है जब हम 5 अगस्त को यहाँ पे आए तो मैक्सिमम लोगों के जो डिवाइसेस हैं वो पोर्टल पे लोड होंगे और विभाग उसका समाधान लेके आ जाए और उसको कानून को बता सकते हैं आपकी ये समस्या थी, इसका निदान कर दिया। उपायुक्त सोलन ने आज से होने वाले जनमंच कार्यक्रम के प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि पिछले जनमंचों में जो भी कमियां रही हैं उन्हें पूरा करके इस जनमंच को पूर्णतः सफल बनाने का प्रयास करेंगे। जो दो जनमंच हुए हैं जो उसमें कमियां रहेंगी वो सारी इसमें कोई कमी नहीं रहेगी और एक बहुत बढ़िया जनमंच होगा। यहाँ पे लोगों के सहयोग से जैसा रिस्पॉन्स है प्रधानों का और लोग स्थानीय जनता का, तो मैं उम्मीद करता हूँ भरपूर लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि सरकार के सारे नुमाइंदे यहाँ पे होंगे, मंत्री महोदय भी होंगे, हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं विप्र परमार जी। तो मैं लोगों से आग्रह करूँगा इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें सारे। ये बेसिकली लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए थे आज, वीडियो साहब, SDM साहब, तहसीलदार और बाकी विभागों के और मेरे फील्ड का स्टाफ जितना भी है, और उसी कड़ी में मैंने भी अपने आप को यहाँ पे उपस्थित करने के लिए बेहतर आज का दिन चुना था। और इससे IC एक्टिविटी भी हुई, लोगों को जागरूक भी किया गया, थोड़ा कुछ संशय थे प्रधान साहिबान के और कुछ फील्ड स्टाफ के, वो भी दूर करने का प्रयास किया उसको। और मैं उम्मीद करूँगा सारे विभाग यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे लोगों का निदान करने की जो समस्या है। इस अवसर पर उनके साथ SDM सोलन रोहित राठौर, BDO धर्मपुर जयवंती ठाकुर, नायब तहसीलदार कृष्णगढ़ बसंत राम ठाकुर, मार्केटिंग कमेटी के सदस्य जय सिंह ठाकुर, VSLM के फाउंडर चेयरमैन सुरेश चंद्र शर्मा, चंद्र मोहन शर्मा, चंडी के पूर्व उप प्रधान बलवंत ठाकुर, पंचायतों के प्रधान, सचिव, पटवारी व ब्लॉक के सभी कर्मचारी भी मौजूद रहे। चंडी से राजीव खामोश की रिपोर्ट। 18 दिन रविवार को चंडी में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा और आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस जनमंच कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।